व्हाट्सअप गाइस, अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और आपको फ्री फायर मैक्स का जो सेटिंग है वो नहीं पता है तो आप प्रो प्लेयर जैसा बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रो सेटिंग लाया हूँ फ्री फायर मैक्स का, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो सेटिंग है बहुत सारे सेटिंग, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय लग सकता है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एक सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पर कंट्रोल पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो एक एक ऑप्शन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पहला ऑप्शन है एम प्रिसीजन, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, डिफॉल्ट, प्रिसाइज, ऑन स्कोप, फुल कंट्रोल। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने डिफॉल्ट पर सिलेक्ट किया है, उसके बाद एम पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं अभी वाइट है, मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो एनमी है उसके पास मैंने यहाँ पर एम को नहील किया है, और जैसे मैं यहाँ पर फायर करता हूँ तो तुरंत देख सकते हैं एम उसके पास आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका दूर ही रहेगा एम और रेड रहेगा तो जैसे कि आप फायर करेंगे तो एनमी के पास ये पर पहुंच जाएगा और डैमेज हो जाएगा। तो अगर मैं स्कोप ओपन करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं एनमी पर तुरंत आ जाता है स्कोप, और यहां पर हम फायर करेंगे तो डैमेज जाएगा, मतलब कि यहां पर आपका जो एम है दूर रहेगा, रेड रहेगा, और इसको ओपन करेंगे तो एनिमी के पास तुरंत आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब सेकेंड ऑप्शन जो है प्रिसाइज ऑन स्कोप, अगर मैं इसको सेट कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एम को मैंने रेड किया, फायर किया तो सेम, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एम को यहाँ पर मैंने रेड किया, अगर मैं यहाँ पर स्कोप ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एनिमी पर नहीं गया, क्योंकि दोस्तों ये आपका मैनुअल कंट्रोल है, मतलब कि आप मैनुअल तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं जब प्रिसाइज ऑन स्कोप को सेट किए रहेंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पर फुल कंट्रोल की, फुल कंट्रोल में दोस्तों कुछ भी नहीं होता है कि आपको यहाँ पर दे सकते हैं कुछ भी, यहाँ पर रेड नहीं हो रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर एनिमी के पास जाता है तो क्या होता है कि आपको सब कुछ अपने आप से कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पर दे सकते हैं बॉडी पर जा रहा है, बॉडी पर मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर बॉडी पर एम लॉक ही नहीं होता, मतलब कि दोस्तों सब कुछ आपको यहाँ पर अपने आप से कंट्रोल करना है। अगर आपको हेड मारना है तो यहाँ पर हेड इसी तरह मारेंगे, अगर आपको बॉडी मारना है तो यहाँ पर बॉडी मारेंगे, अगर आप यहाँ पर बंदा दौड़ रहा है तो यहाँ पर एम आपको लॉक ही नहीं होगा। फुल कंट्रोल बहुत ही मुश्किल होता है गेम प्ले करना, तो आप फुल कंट्रोल का कभी भी यूज मत करिएगा, ये फुल कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा प्रो बंदे रहते हैं वही करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि शायद ऐसा कोई करता होगा। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं लेफ्ट फायर बटन की ओर, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं मतलब कि ऑलवेज कर देते हैं तब क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट फायर बटन है ये वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं हमेशा के लिए ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर शो ऑन स्कोप पर करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी लेफ्ट फायर बटन गायब हो गया, मैं जब स्कोप ओपन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट फायर बटन आ गया है, जब स्कोप ओपन किया तो यहाँ पर लेफ्ट फायर बटन आ गया, तो इसका यही काम है। अब बढ़ते हैं क्विक वेपन स्विच, अगर मैं यहाँ पर इसे ऑफ कर देता हूँ तो ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं क्विक वेपन स्विच वाला गया, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं क्विक वेपन स्विच वाला ऑप्शन आ गया, इसकी मदद से आप वेपन को स्विच कर सकते हैं। अगर आप AWM चलाते हैं तो आपको इसकी जरूरत 100% पड़ेगी, वैसे भी दोस्तों आप इसका ज्यादा यूज किया करिए क्योंकि यहाँ से बहुत ही आसानी हो जाती है क्विक वेपन स्विच करने में। अब बढ़ते हैं क्विक रिलोड, अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं क्विक रिलोड का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फायर किया और हमारा जो गोली है वो खत्म हो गया, मुझे यहाँ पर रिलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत तेजी से यहाँ पर रिलोड हो जाता है। अगर आप इस ऑप्शन को ओपन किए रहेंगे तो बहुत ही यूजफुल ऑप्शन ये आपको मिल जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है होल्ड फायर ऑन स्कोप, अगर मैं इसे ऑन कर देता हूं तब क्या होता है कि अगर मैं यहां पर AWM ले लेता हूं, अब मैं यहां पर फायर करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं हमारा स्कोप ओपन हो जाता है, यहाँ पर मैंने फायर बटन क्लिक किया, होल्ड किया तो यहाँ पर स्कोप ओपन हो गया। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं फायर कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा स्कोप ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे स्कोप पर क्लिक करके स्कोप ओपन करना पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो आपको उसे ऑन रखना है, तो यहाँ पर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेनेड स्लॉट, अब इसका क्या काम है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल स्लॉट और डबल स्लॉट है, अगर मैं सिंगल स्लॉट करके यहाँ पर गेम प्ले करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सिंगल स्लॉट है और यहाँ पर एक में ग्लूवाल है और एक में ही गिंडेट है, तो इसका मतलब कि एक में ही सब कुछ यहाँ पर हमें मिल जाता है। अगर वही दोस्तों मैं इसे चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डबल स्लॉट,
तो डबल शॉट में क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्लू वॉल हो गया और यहाँ पर ग्रेनेड हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। अगला ऑप्शन है व्हीकल कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला डबल हैंड और यहाँ पर वन हैंड। वन हैंड की मदद से आपको यहाँ पर पूरा कंट्रोल करना पड़ता है व्हीकल को। अगर यहाँ पर टू हैंड को करते हैं तो यहाँ पर दो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, वहाँ से आप व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो पैराशूट। अगर ये ऑफ रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर लैंडिंग नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने उसे ऑफ किया। ये हवा में ही रहेगा जब तक मैं इसे लैंड नहीं करवाऊंगा। तो देख सकते हैं अभी हवा में, और यहाँ पर मैं इसे लैंड करवा रहा हूँ तो देख सकते हैं अभी ये लैंड करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर देख सकते हैं हवा में, क्योंकि मैंने उस ऑप्शन को ऑफ किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस ऑप्शन को मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद ये ऑटोमेटिक देख सकते हैं बिना मुझे कुछ करे और ये लैंड करना स्टार्ट कर दिया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है रन मोड। अब रन मोड में आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लासिक, डार्क, मिक्स। अब क्लासिक में जो आपको नॉर्मल रन मोड मिल जाता है, देख सकते हैं यही है रन मोड। और दोस्तों अगर मैं इसे चेंज कर देता हूं तो यहां पर देख सकते हैं रन मोड में जाता हूं और डार्क कर देता हूं, और डार्क में क्या होता है कि वो रन मोड हट जाता है। और रन मोड कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर आपको जॉयस्टिक देख सकते हैं इसके पास आ जाता है। अब कैसे आपको रन करना, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह आप रन करेंगे। अगर मैं लॉन्ग प्रेस कर देता हूँ इसको जॉयस्टिक को ऊपर की साइड, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया और यहाँ पर ऑटो मतलब कि रन कर रहा है फास्ट। अगर मैं इसे स्टॉप करना चाहता हूँ, यहाँ इसे स्टॉप कर देता हूँ। अगर मुझे फिर से रन करना है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करके ऊपर की तरफ कर देना है, तो ये इस तरह रन करना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं मिक्स। अब मिक्स में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, और जॉयस्टिक में भी आपको यही ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि मिक्स में आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको नहीं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ वही जो क्लासिक पहले से दिया था। अब गेम इन टिप्स। अब गेम इन टिप्स में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट और सिंप्लीफाई, मतलब कि अगर आप रैंकेड मैच खेल रहे हैं तो ऊपर आपको जोन वाला जो टाइमिंग नज़र आता है वो दोस्तों आपको डिफॉल्ट में बहुत ही लंबा नज़र आएगा, तो आपके स्क्रीन में वो लंबा साफ 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 दिखता रहता है। लेकिन अगर आप उसे छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं, तो कोने में आपको नज़र आएगा छोटा सा टाइम। अगला ऑप्शन है एलिमिनेशन नोटिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ या क्लासिक रहने देता हूँ, क्लासिक में क्या होता है कि अगर आप किसी बंदे को किल करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ जाता है, तो नोटिफिकेशन में ये पता चल जाता है। अगर वहीं मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो नोटिफिकेशन में आपको वो नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डैमेज इंडिकेटर। तो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लासिक और न्यू। अगर मैं यहाँ पर क्लासिक करता हूँ तो यहाँ पर एनिमी को मैं डैमेज देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मैं हेड मारता हूँ तो आपको यहाँ पर रेड नंबर बहुत ही छोटा छोटा नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर डैमेज दे रहा हूँ, तो वाइट में नज़र आता है और नीचे की तरफ नज़र आता है। मैं यहाँ पर हेड मारता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ा आपको डैमेज नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो गन स्विच। अगर आप इसे ऑफ किए रहेंगे तो क्या होता है कि जब भी आपकी एमओ ख़त्म हो जाती है किसी भी गन की, तो ऑटोमेटिक दूसरा गन स्विच नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों आप इस ऑप्शन को ऑफ किए हैं। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूं, अब क्या होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पर फायर पूरा गन मतलब कि एमओ ख़त्म हो जाता है, अब दूसरा यहाँ पर मेरा गन आ जाएगा बिना स्विच किए। तो इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है अगर आप इसे ऑन किए रहते हैं, तो इसे हमेशा ऑन करके रखिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है विजुअल इफेक्ट। यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लासिक, डार्क, नो ब्लड। क्लासिक में जब भी आप किसी बंदे को किल करते हैं तो ऊपर के साइड में आपको बड़ा सा रेड मतलब कि डैमेज नज़र आता है, मतलब कि रेड किल नज़र आता है, तो इसका यही काम है। और दोस्तों जब भी आप जोन के बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर जो डैमेज पड़ता है तो आपको नज़र आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डार्क कर देता हूँ तब क्या होता है कि जब भी आप बंदे को किल करेंगे जो ऊपर से आपको एक मतलब कि नज़र आता है कि आपने किल कर दिया है, तो उसका लोगो बदल के दूसरा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हेलमेट की तरह। और दोस्तों जब भी आप बाहर आते हैं मतलब कि जोन के बाहर चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर ब्लैक ब्लैक नज़र आएंगे, डार्क में जो आपको ब्लड नज़र आ रहा है तो वो डार्क नज़र आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर नो ब्लड में वही होता है कि जब भी आप किसी बंदे को किल करते हैं तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन ऊपर की साइड दे सकते हैं, इस
बेहतर नजर आता है। अगर आप जोन के बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई ब्लड नहीं नज़र आता है, मतलब कि डैमेज पड़ता है, ब्लड नहीं नज़र आता है, तो आपको स्किन में साफ साफ बंदे नज़र आते हैं किधर है, और आप उन बंदे को आसानी से किल भी कर सकते हैं अगर आपके पास गन है। अब बात करते हैं फ्री लुक की। यहाँ पर फ्री लुक में क्या होता है कि मैं इसे ऑफ कर देता हूँ अभी फिलहाल, तो मैं यहाँ पर जैसे ऑन करूँगा तो आपके सामने तीन ऑप्शन और भी ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पैराशूट, सेकंड ऑप्शन है स्प्रिंट और थर्ड ऑप्शन ड्राइव। तो इसका मतलब कि क्या काम है, अगर मैं यहाँ पर फ्री लुक पर इसे ऑन कर देता हूँ तो आपके सामने एक ऑप्शन और भी ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन ओपन हो गया, और यहाँ पर मैं रन करते हुए पीछे की साइड भी देख सकता हूँ, और मूवमेंट बहुत ही गजब का लगता है, तो बहुत ही यूनिक ऑप्शन है। तो इसका बेनिफिट है कि आप पीछे बंदे को देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हिट मार्क। अब इसका क्या काम है, क्लासिक और न्यू का। अगर मैं यहाँ पर क्लासिक पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एम पॉइंट है, अगर मैं फायर करता हूँ तो आपको हल्का सा रेड नज़र आता होगा कि बीच में आपको चार लाइनें रेड नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर न्यू कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं फायर करता हूँ तो आपको यहाँ पर रेड नहीं नज़र आएगा, वाइट नज़र आएगा। तो और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है टीम मेट इन्फो। यहाँ पर दोस्तों अगर आप टीम के साथ खेल रहे हैं तो अगर आप दूर जाते हैं तो यहाँ पर आपको नाम उसका साफ साफ नज़र आएगा अगर आप दूर जाते हैं तो। अगर आप ट्रांसलूसेंट को सेट कर देते हैं तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप दूर जाते हैं टीम मेट के साथ, मतलब कि टीम मेट से दूर जाते हैं तो आपको वहाँ पर जो उसका नाम है धुंधला नज़र आएगा, मतलब कि हल्का सा ब्लर नज़र आएगा। तो इसका यही काम है दोस्तों, तो आपको इसको क्लासिक सेलेक्ट कर देना, अब आप सेटिंग में प्रो बंदे बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ और आपको सिखाता रहूँ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।